दोस्तों ये जो मछली देख रहे हैं ये है रेवा मछली। बहुत जगहों में इसको रायकर मछली के नाम से भी जाना जाता है। देखने में बाटा जैसा लगता है और मुंह का आकार प्रकार जो है नैनी मछली यानी मिर्गल मछली के जैसा है और इसका बॉडी का चमक बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है, जैसे चांदी जैसे चमकने लगता है और पीठ के ऊपर की तरफ थोड़ा काला रंग देखने को मिलता है और शेल जो है थोड़ा घना रहता है और ये शेल की इस मछली का पीठ के जो बीचों बीच है वो काला रंग जो है बहुत ही गहरा होता है, थोड़ा दूर से देखने से एक लकीर जैसा देखने को मिलता है। इस चीज़ से देख के ही इस मछली को पहचाना जा सकता है। इसका प्राइस जो है मार्केट में बहुत ही अच्छा रहता है और इसका ग्रोथ जो है मैं आपको बता दूं बाटा मछली का ग्रोथ के बराबर ही है, यानी ये एक साल में लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास हो जाती है, इससे ज़्यादा ये मछलियाँ बड़ी नहीं होती है। इसका प्राइस मार्केट में ज़्यादा होने के वजह से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। बाटा मछली के साथ ही इस मछली को फार्मिंग किया जाता है। जब भी कोई बाटा जैसा मछली को फार्मिंग करते हैं वो इस मछली को भी थोड़ा बाटा के साथ मिक्स करके फार्मिंग करते हैं। इस ये मछलियाँ बाटा के साथ रहने से बाटा मछली का प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो बाटा मछली का जैसा ही है, जैसे कि हम लोग बाटा मछली को एक ही डोज देते हैं फिर 6 घंटा बाद ही ये मछली अंडा दे देती है। रायकर मछली यानी रेबा मछली भी सेम काम ही करती है, इसको एक ही डोज देना होता है और ये एक डोज देने का 6 घंटा बाद ही अंडा छोड़ देती है। इस मछली का प्राइस ज़्यादा होता है लेकिन कई बार हम लोग बाटा मछली को के साथ ही इस मछली को ब्रीडिंग करा लेते हैं, यानी मेल और फीमेल को इंजेक्शन लगा के बाटा मछली के साथ ही छोड़ देते हैं। एक ही टैंक में ये मछलियाँ ब्रीड करती है जहाँ पर बाटा मछली भी ब्रीड करती है, तो इस तरह से इस ये मछली का जो कुछ मिक्स है वो बाटा मछली के साथ हो जाता है। इस तरह से किसान जो है इस मछली को उनका फार्म में लेते हैं, फार्मिंग करते हैं, स्पॉन को लेते हैं, स्पॉन फार्मिंग करते हैं, तो उनका तालाब में बाटा और रायकर दोनों मछलियां हो जाता है। इसके वजह से उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो इस मछली को अलग फार्मिंग करना चाहते हैं, अलग से लेना चाहते हैं, मिक्स में नहीं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। मार्केट में इस मछली का प्राइस जो है ना यहाँ पे लोकल पे लगभग 300-350 रुपये किलो में आ जाती है और बाटा का 200-250 रुपये किलो है, तो इस तरह से रायकर मछली का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग अलग से भी फार्मिंग करते हैं। ये मछली का ब्रूड फिश जो है वो 6 महीने में रेडी हो जाती है। अगर मैं इस मछली से बच्चा निकालता हूँ, ये बच्चा का उम्र जब 6 महीना हो जाएगा तभी ये मछलियाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसके लिए बहुत ही कम समय लगता है और दूसरा मछली के लिए लगभग 3 साल का समय लगता है और बाटा रायकर इस तरह का चाइना पोटी इस तरह का मछली के लिए 6 से 7 महीना का समय लगता है ये मछलियाँ ब्रूडर बनने में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में हम इसका ब्रूडर भी बना सकते हैं। ये रायकर मछली या रेबा मछली को ब्रीडिंग कराने के लिए 2 तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक है पीजी जिसे हम लोग जानते हैं और एक है वन टाइम। फिलहाल लोग अभी वन टाइम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पीजी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से वन टाइम से बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग कराया जाता है। तो आप जिस तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसी तरह का मेडिसिन का डोज अगर इस मछली को देते हैं तो ये मछली अब ब्रीड करेगी, लेकिन इस मछली का डोज जो है सही आपको पता होना चाहिए। इस मछली का डोज देने के लिए मछली का सीरिंज का जो 1 ml होता है उसका 0.5 ml डोज दिया जाता है, क्योंकि ये मछलियाँ 200 से 250 ग्राम के आसपास होती है तो छोटा मछली में डोज थोड़ा ज़्यादा देना होता है, नहीं तो ये क्लियर अंडा नहीं देती है। इसीलिए जो भी डोज इसका है उसको बना के हम पानी का हिसाब जो है वो 1 ml में 2 मछली का हिसाब करके इस मेडिसिन को तैयार करते हैं। और इस मछली का पहचान करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसका शेल का बनावट आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है, जो कि बाटा मछली से बिल्कुल ही अलग है। देखने से ही बहुत आसानी से इस मछली को हम पहचान सकते हैं। आप अगर बाटा मछली को पहचानते हैं तो आशा करता हूँ इस मछली को देख के इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना।